जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। जिले के 125 केंद्रों में केवल 29 केंद्रों में ही खरीदी शुरू हुई है और 31 टन धान की खरीदी हुई है। वहीं 96 धान खरीदी केंद्रों में बोहनी तक नहीं हुई है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है और धान खरीदी कार्य में तेजी आने में अभी 15 दिनों का वक्त लग सकता है। जिले में धान का व्यापक उत्पादन होता है और प्रदेश में सबसे अधिक धान खरीदी होती रही है। इस साल सती जिले के अलग होने के बाद खरीदी के आंकड़ा में भी अंतर आएगा। इस साल दोनों जिला मिलाकर 10,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। ऐसे में इस साल भी पिछले साल से ज्यादा धान खरीदी हो सकती है। फिलहाल अभी खरीदी केंद्रों में धान की बिक्री का कार्य बेहद धीमा है। 15 दिनों बाद तेजी से धान खरीदी शुरू होगी। जी, हमारे यहाँ धान खरीदी 29 केंद्रों में चालू हो गया है जिला जांजगीर चांपा में, जिसमें हमने 1331 टन की खरीदी अभी कर लिया है। जी, हमारे यहाँ 101 समिति और अब हो गए हैं 125, दो नवीन खुल गए हैं, तो पहले 123 थे। जी, जांजगीर ज़िले में सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था करा ली गई है। यहाँ पे थोड़ा धीरे से धान आता है लेट तक, तो इसलिए अभी शुरुआत में स्लो आ रहा है और फिर दिसंबर से फुल फ्लेश में यहाँ पे धान खरीदी का जो स्पीड है किसानों का वो आने लगता है। अभी भी फसल जो है अभी कटने चालू हैं, इसलिए अभी धीरे आ रहा है।